कोटा का नाम लेते ही हमारे मन में सबसे पहले आईटीआई और मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्रों की छवि सामने आने लगती है। लेकिन ये शहर न केवल अपने ढेर सारे इंस्टीट्यूट्स और टॉपर बच्चों के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ पर कुछ आकर्षक पर्यटन स्थल भी हैं जिसके लिए ये शहर जाना जाता है। आज हम आपको इस वीडियो में कोटा की ऐसी ही आकर्षक पर्यटन स्थल के बारे में बताएंगे जिनके लिए कोटा सबसे ज़्यादा जाना जाता है। नमस्कार, मैं हूँ श्रुति, आप देख रहे हैं राजस्थान चौक। कोटा शहर राजस्थान के दक्षिण पूर्व में मौजूद है। ये राजस्थान की राजधानी जयपुर से करीब 240 किलोमीटर की दूरी पर है। कोटा राजस्थान का तीसरा सबसे घनी आबादी वाला शहर है। यह शहर चंबल नदी के किनारे पर बसा हुआ है। चंबल नदी कोटा की खूबसूरती बढ़ाने के साथ साथ यहाँ की जीवन रेखा के रूप में भी जानी जाती है। कोटा के लोगों के लिए इस नदी से पीने का पानी की प्राप्ति होती है। यहाँ आने वाले पर्यटन मूल रूप से नदी के किनारे पर मगरमच्छ, पक्षियों और नदी के किनारे नाव सवारी करने के उद्देश्य से आते हैं। कोटा अपनी सफलतापूर्वक संपन्न की जाने वाली कोचिंग के लिए विख्यात है, इसलिए कोटा शहर को कोचिंग कैपिटल ऑफ इंडिया और एजुकेशन सिटी ऑफ इंडिया जैसे नामों के रूप में भी जाना जाता है। कोटा शहर को जयपुर के बाद राजस्थान में दूसरी सबसे अच्छी रहने लायक जगह भी माना जाता है। शहर के आसपास काफ़ी बिजली संयंत्र हैं जो कोटा को एक औद्योगिक केंद्र के रूप में परिभाषित करता है। वहीं कोटा शहर ने अपनी ट्रेडमार्क कोटा डोरिया के माध्यम से भारत में वस्त्र उद्योग को भी काफ़ी हद तक बढ़ावा दिया है। कोटा शहर अपनी नाजुक और परभाषी धागों की बुनाई पैटर्न के लिए जानी जाती है। कोटा शहर से ही मजबूत और हरे रंग का अनाम कोटा पत्थर प्राप्त किया जाता है और देश में चलने वाली परियोजनाओं के लिए इस पत्थर का उपयोग किया जाता है। विभिन्न औद्योगिक केंद्रों के अलावा कोटा शहर के प्राचीन महलों के इतिहास की झलक भी देखने लायक है। इसके अलावा यहाँ कई उद्यान भी हैं, इनमें से सबसे खास उद्यान चंबल है। आइए अब आपको बताते हैं क्या है कोटा शहर का इतिहास। बता दें कि कोटा शहर का इतिहास 12वीं शताब्दी के दौरान का माना जाता है, जब हाड़ा वंश के संबंधित एक राजा राव देवा चौहान ने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर अपना अध्यात्म जमा लिया था और बाद में हड़ौती और बूंदी नामक स्थान की स्थापना की थी। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल के दौरान बूंदी के राजा राव रतन सिंह ने अपने दूसरे पुत्र माधव सिंह को हाथों में कोटा रियासत की भागदौड़ थमा दी थी। सन 1631 से ही कोटा एक स्वतंत्र प्रांत बन गया। कोटा राजपूत संस्कृति और वीरता के रूप में जाना जाता है। कोटा प्रांत के इतिहास में महाराव भीम सिंह ने अहम भूमिका भी निभाई है और उन्होंने 5000 का मनसफ रखा। साथ ही महाराजा की उपाधि धारण करने वाले यह अपने वंश के प्रथम व्यक्ति बने। कोटा शहर में खूबसूरत और दर्शनीय स्थल हैं जो देश भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कोटा के में 7 वंडर्स पार्क हैं। कोटा में 7 वंडर्स पार्क है जिसमें दुनिया के सभी 7 अजूबों के लघु चित्र बनाए गए हैं। इनमें ताजमहल, द ग्रेट पिरामिड, आइफिल टावर, क्रिस द रिडीमर ऑफ ब्राजील, लिनिंग टावर ऑफ पीसा, कोलंबियस और स्टैचू ऑफ लिबर्टी शामिल है। बता दें कि कोटा के 7 वंडर्स पार्क को बनाने के लिए जो परियोजना शुरू की गई थी वह शहरी विकास विभाग द्वारा 20 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की गई थी। कोटा शहर में एक किशोर सागर झील है जिसका निर्माण सन 1346 के दौरान बूंदी के प्रिंस देहरा देह द्वारा करवाया गया था। किशोर सागर झील ब्रजविलास महल संग्रहालय के किनारे पर स्थित है। जग मंदिर नामक एक संग्रहालय महल के बिल्कुल केंद्र में स्थित है। इस स्थान पर प्राकृतिक प्रेमियों के लिए तस्वीर निकालना एक अलग ही अनुभव है। कोटा बैराज यहाँ चंबल घाटी परियोजना का 4था निर्माण है जो कि यहाँ बहने वाली चंबल नदी पर बनाया गया है। कोटा बैराज परियोजना राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और गांधी सागर बांध, इन तीनों बांधों के पानी को संग्रहित करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। इसके साथ ही इस पानी को नहर के माध्यम से राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य में सिंचाई के लिए चैनलाइज किया गया। पानी की वजह से यहां उठने वाला सफेद धुआं लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र हमेशा से बना रहता है।
इसके अलावा कोटा में खड़े गणेश जी का मंदिर भी है, जिसमें स्थापित मूर्ति लगभग 600 साल से भी अधिक पुरानी है। यह स्थान कोटा के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों में से एक है। खड़े गणेश जी का मंदिर कोटा में चंबल नदी के बिल्कुल नजदीक एक पवित्र स्थल है। कोटा का गर्जिया महादेव भगवान शिव का समर्पित एक लोकप्रिय शिव मंदिर है, जो शहर से थोड़ी सी ही दूरी पर स्थित है, और यह मंदिर दुनिया भर में पर्यटकों को आकर्षित करने में कामयाब रहा है। कोटा का गढ़ पैलेस म्यूजियम मुगल शासन काल के दौरान की राजधानी, वास्तुकला, संस्कृति और कला का एक बेहतरीन संगम है। कोटा शहर का सिटी पैलेस एक शाही अतीत का स्मारक है। सिटी पैलेस कोटा पर्यटक का भारी तादाद में अपनी ओर आकर्षित करता है। कोटा दुनिया भर में अपनी कोटा डोरिया साड़ी के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर बनी साड़ियाँ हाथों से की गई बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। बता दें कि कोचिंग सेंटर कोटा में एक ऑक्सीजन पार्क भी है। इस पार्क में विश्व स्तरीय सुविधाओं का समावेश कर वृक्षारोपण किया गया है। ऑक्सीजन पार्क पर करीब 100 करोड़ खर्च हुए हैं। बता दें कि यह पार्क 4 किलोमीटर तक तापमान में कमी रखता है और 8 किलोमीटर तक इसकी ऑक्सीजन का असर रहता है। इसमें 5 किलोमीटर लंबा वॉकिंग ट्रैक बनाया गया है। यह वॉकिंग ट्रैक जयपुर के सेंट्रल पार्क से भी लंबा है और इस पार्क के अंदर कई तरह के फ्लावर्स भी लगाए गए हैं। साथ ही साइकिल ट्रैक भी बनवाया गया है, जो कोटा ही नहीं बल्कि सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके अलावा कोटा में प्रसिद्ध मंदिर गोदावरी धाम, गोपरनाथ जल प्राप्त पर्यटन स्थल, राव माधो सिंह संग्रहालय, मथुराधीश मंदिर, धारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, शिवपुरी धाम, ब्रजविलास पैलेस सरकारी संग्रहालय, कसुआ शिव मंदिर पर्यटन स्थल, बूंदी की रानी जी की बावड़ी जो कि काफ़ी फेमस है और पर्यटन को आकर्षित भी करता है। बता दें कि राजस्थान के कोटा शहर घूमने जाने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च महीने के बीच माना जाता है और नवंबर से लेकर फरवरी तक का समय कोटा घूमने के लिए बिल्कुल अनुकूल माना जाता है।